तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की i20 है, 2013 का मॉडल है, आस्ता है, विथ ABS वाला है। तो मैं इसका आज डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल यानी कूलिंग कॉइल लीकेज हो चुका है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, वो सब चीज़ मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर सबसे पहले मैं बैटरी की वायर निकालता हूँ। बैटरी की वायर निकालने के बाद कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो चलो फिर मैं बैटरी की वायर निकालने के बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो गैस सबसे पहले इसमें तो था नहीं, क्योंकि इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है, तो गैस निकालने की रिकवरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर मैं आगे का काम आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बैटरी वायर निकाल दिया हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो पीछे यहाँ एक 10 नंबर दिया रहता है, वो भी खोल चुका हूँ। और ये वाला आप खींचेंगे इसको, तो ये निकल जाएगा। इसमें दो सॉकेट रहेगी, एक USB की और एक लाइटर की सॉकेट रहेगी। तो ये दोनों सॉकेट मैं निकालता हूँ, फिर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे दोनों सॉकेट निकाल चुका हूँ मैं। और गियर को ये वाला जो नॉब रहता है ऊपर का, इसको खोलेंगे घुमा के, ये खुल जाएगा। देख पा रहे खुल चुका और ये इजीली बाहर आ जाएंगे। और एक सॉकेट है ये अभी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये निकल चुका, मैं इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब इसका स्क्रू खोलने का अपने को, एक यहाँ, ये तो अपना हिल रहा है, बट ये दो स्क्रू है, एक ये वाली और एक ये वाली स्क्रू खोले, खोल के ये कंसोल बॉक्स का पूरा सेटअप निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं दोनों स्क्रू खोल के फिर निकाल के आपको दिखाता हूँ आगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं खोल चुका हूँ मैं दोनों स्क्रू। अब ये इजीली, ये छोटा सा लॉक फाइबर दिया रहता बड़ा होगा, इसको खींचेंगे निकल जाएगा। इसको हैंड ब्रेक को पूरा ऊपर उठा लेने का। सीट अटक रहा है, और इसमें पीछे दो क्लिप दिया हुआ रहेगा प्लस का, वो निकाल चुका था मैं पहले। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा निकल चुका, मैं इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब रही गियर बॉक्स को चारों बोल्ट खोल के मेरे को पलटी मारने का है। और ये वाला नल्ला जो देख रहे हैं, डक्ट देख रहे हैं जो पीछे गया हुआ है, उसको खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं इसको खोल लेता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं गियरबॉक्स खोल गया हूँ, और ये नल्ले का जो है एक स्क्रू रहता है वो भी खोल गया हूँ, और ये निकाल देता हूँ मैं। गियरबॉक्स को इजीली पलटी मार दूंगा। और यहाँ अर्थिंग देख रहे हैं एक, ये वाली सॉकेट का अर्थिंग, तो इसको मेरे को निकालना पड़ेगा, अर्थिंग वाला खोलना पड़ेगा। या फिर यहाँ से भी सॉकेट निकाल दूंगा तो चलेगा, जो कि एयरबैग मॉड्यूल्स का कंट्रोल मॉड्यूल है, उससे भी खोल दूंगा। तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीट के ऊपर ही होल्ड करने का है, तो इतना वायर एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं खोल दिया हूँ, उसको पलटी मार चुका हूँ। तो बाकी आगे क्या क्या खोलना पड़ रहा है मेरे को, तो धीरे धीरे मैं वीडियो में खोलता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको। तो चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं अंदर से जो जो कुछ भी खोलना पड़ता है मैं सब खोल दिया हूँ डैशबोर्ड खोलने के लिए। तो क्या क्या खोला हूँ वो चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ की एक सॉकेट, ये वाले भी खोला नहीं हूँ, ये भी खुल चुका अपना। और इधर की दो 10 नंबर रहेगी, एक दो वो खोल चुका हूँ। गियर बॉक्स को तो पहले ही पलटी मार चुका था, आपको मालूम ही है। यहाँ का दो 10 नंबर खोल चुका हूँ। और उसके बाद ये सब जो फ्यूज बॉक्स में सॉकेट है सब खोलना पड़ेगा आपको। स्टेरिंग को खोल दिया हूँ यहाँ से जॉइंट के पास से। उसके बाद ये दोनों सॉकेट तो खोलना ही पड़ेगा, ये दो 10 नंबर दिया हुआ रहता है एंगल में, ये सब खुल चुका है। बाकी सब प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, खुल चुका है डैशबोर्ड, देख पा रहे हैं। अब मेरे को बाहर से क्या खोलना पड़ रहा है, तो चलो फिर मैं बाहर से खोल के आपको दिखाता हूँ बाहर से क्या खुलना। सब तो खुल गया लेकिन डैशबोर्ड अभी भी हिल नहीं रहा है। तो बाहर वाइपर जाने के नीचे एक दिया हुआ रहता है 12 नंबर, वो खोल के दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं बाहर लेके जाता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली वाइपर ब्लेड वगैरह सब खोल दिया हूँ। और ये रही तो 12 नंबर खोलना पड़ेगा आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा खोल चुका हूँ मैं।
और ये एक्सटेंशन वाल के पास का पॉइंट देखा कि ये देख पा रहे हैं ये वाला, और हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ, डैशबोर्ड निकाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है अपनी। अब चलो फिर मैं इसको पलटी मार देता हूँ। इधर भी देख लीजिए पूरा सब खुल चुका है। तो चलो फिर मैं इसको पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे फाइनली डैशबोर्ड अपनी खुल चुकी है। ये रही कूलिंग कॉइल का पोर्शन। तो चलो फिर मैं ये स्क्रू रहेगा, 5-6 स्क्रू रहेगा खोल के, फिर आगे कूलिंग कॉइल निकाल के दिखाता हूँ। और ये रही नया कूलिंग कॉइल अपना। तो चलो पहले मैं ये जूनी वाली निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे मैं ये ट्रे खोल दिया हूँ सभी स्क्रू, और ये खुल चुकी है अपना। देख पा रहे कूलिंग कॉइल में कितना मट्टी वगैरह भाड़ा पड़ा है, इस वजह से कूलिंग कॉइल लीक हो चुका है। तो चलो फिर इधर का भी स्क्रू खोलना पड़ेगा मेरे को, इसके अपोजिट साइड ही फिल्टर दिया हुआ रहता है, तो ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, फिर बाहर निकलेगा कूलिंग कॉइल। तो चलो बाहर निकालता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे जूनी वाली बैटर कॉइल खुल चुकी है अपना, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे ये रही जूनी वाली, और नए वाले का सबसे पहले मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ये बॉक्स में है, प्राइस देख लिए 2401 रुपए का है। ये रही नया वाला, देख पा रहे हैं आप, ओरिजिनल है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं नया वाला कूलिंग कॉइल बैठ चुका है अपना, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलो फिर इसका ऊपर का कवर मैं लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं फिट हो गया, मैं डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड मैं डाल चुका हूँ, और चलो सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये सब फिटिंग करने जा रहा हूँ मैं, तो ये सब फिटिंग जैसे खोला हूँ वैसे फिटिंग होगा। तो चलो फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब फिट हो चुका है मेरा डैशबोर्ड। जैसा कि देख पा रहे हैं सब फिट हो चुका है, बस यहाँ का फ्यूज बॉक्स का कवर लगाना बाकी है, बाकी सब फिट हो गया। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, बाहर का फिटिंग भी किया हूँ वो भी दिखा देता हूँ। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब फिट हो चुका है, वाइपर ब्लेड वगैरह सब लगा दिया हूँ, हीटर का पाइप भी लगा दिया हूँ, और एक्सपेंशन वाल भी लगा दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं सब फाइनली फिट हो चुका है। चलो फिर मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मार के दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं लो वाला लगा के रखा हूँ, और नाइट्रोजन का प्रेशर मैं 300 का मारा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, और जब तक अंदर का मैं फिटिंग कर लेता हूँ, अंदर जो भी बाकी है सब फिटिंग करके फिर अंदर का दिखा देता हूँ आपको, फिर आप बाहर आते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब फिट हो चुकी है, और मैं बाहर आप नाइट्रोजन का प्रेशर मार के जो रखा था, चलो फिर वो प्रेशर दिखा देता हूँ होल्ड है क्या नहीं, फिर आगे आपको दिखाऊंगा गैस वगैरह मार के। तो चलो फिर बाहर चलते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेशर अपना होल्ड है, और प्रेशर होल्ड है जितना ही मारा था जितना है, तो प्रेशर मैं छोड़ देता हूँ, प्रेशर छोड़ के फिर वैक्सीन में लगा के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेशर, तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेशर 0-0 हो गया। तो मैं इसको वैक्सीन में ले लेता हूँ, मैनुअली सेट करता हूँ, वैक्सीन में ले लेता हूँ। 3 मिनट का सेट किया हुआ है, क्योंकि 3 मिनट का इससे पहले मैं दूसरी गाड़ी में लगाया था, तो 10 मिनट का लगा दे रहा हूँ। तो इंटर कर दिया मैंने, तो 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं अपन। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे अपना वैक्यूम कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको गैस चार्जिंग में ले लेता हूँ। जैसा कि देख पा रहे मैं मुझे जा रहा हूँ, और गैस फिलिंग में ले लेता हूँ, 450 ग्राम गैस डालूंगा इसमें मैं। गाड़ी अभी चालू रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा हीटर भी चेक करने का, गाड़ी गर्म होने गया हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल मार देता हूँ इसमें मैं, लगभग 40 ml ऑयल मारा हूँ, और 450 ग्राम गैस इंटर कर दिया। तो चलो फिर मैं अंदर आपको गाड़ी चालू करके कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और गाड़ी चालू है, एसी चालू रखा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 11.5 पे आ चुका है, यानी और भी आएगा ड्रॉप होगा। तो इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, यानी कूलिंग कॉइल मैंने जैसा कि आपको दिखाया डैशबोर्ड खोल के फिटिंग करके
रिप्लेस करके दिखाया, कैसे खोला जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया क्या क्या खोला जाता है, और कूलिंग टेम्परेचर भी दिखा रहा हूँ, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। इसका हीटिंग टेम्परेचर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, हीटर हाई किया हूँ और जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इसका हीटिंग हीटर वगैरह कूलिंग सब प्रॉपर हो गया। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये सब चीजें ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भी जाए ना, कहीं भी काम करवाने जाए तो आपको समझ में आनी चाहिए कि काम क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, बस यही है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।